अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ताहा शाहिद है और आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या चीज़ होती है। इससे पहले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, अब हम बात कर रहे हैं सीरीज़ की। देखिए, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन रेशो मौजूद हो, मतलब हर पीछे वाली टर्म को हम फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें अगली टर्म मिल जाए। मतलब मिसाल के तौर पे हम सपोज कर लेते हैं कि वो फिक्स्ड नंबर 2 है, मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, और फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो हमारे पास 16 आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो हमारे पास 32 आ जाएगा। इसी तरीके से हमें टर्म्स मिलती चली जाएंगी। ऐसी सीक्वेंस को हम जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब मैं अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सम टू एन टर्म्स और एक होती है सम टू इनफाइनाइट टर्म्स। सबसे पहले मैं सम टू एन टर्म्स की बात कर रहा हूँ। बेसिकली सीरीज़ का मतलब क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, कि जीपी की जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम आपस में ऐड करा दें, ऐड कराने पे जो चीज़ बनेगी वो कहलाएगी ज्योमेट्रिक सीरीज़। अगर ये इनफाइनाइट वैल्यूज़ तक जा रही है तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाएगी, अगर ये इनफाइनाइट वैल्यूज़ तक नहीं जा रही, मिसाल के तौर पे ये सीरीज़ कहीं जाके रुक जाएगी, मतलब हमें इसकी लास्ट टर्म पता होगी, लास्ट टर्म मिसाल के तौर पे हमारे पास 256 आ गई, तो ये हमारे पास सम टू एन टर्म्स कहलाएगी, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है। अच्छा, अब हम जो है वो बेसिकली अगर सम के फॉर्मूले की बात करें, सम टू एन टर्म्स की, तो सम टू एन टर्म्स का मतलब क्या है कि जीपी के, मतलब जीपी की जो टर्म्स हैं उनको ऐड कराना है। जीपी की टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो हमें ये पता है ए फर्स्ट टर्म कहलाती है, हम एक फिक्स्ड नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं इससे, फिक्स्ड नंबर क्या कहलाता है, आर कहलाता है। अगर ए को आर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए आर, फिर आर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए आर स्क्वायर, फिर आर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए आर क्यूब, और ये वैल्यू जा रही है कहाँ तक, ए आर एन ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो अगर हमें सम निकालना हो तो सम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 1 माइनस आर की पावर n, मतलब a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जब मॉड ऑफ r लेस देन 1 हो। मॉड ऑफ r का मतलब r की पॉजिटिव वैल्यू 1 से छुट्टी हो। इसी का एक और फॉर्मूला है जब हम a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराते हैं, a को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो a आ जाएगा, फिर a को हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो a इंटू आर की पावर n। अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा और सॉल्व करूं, किस तरीके से भाई, भाई मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास सम का फॉर्मूला आ जाए इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म, मतलब l आ जाए, तो हमें लास्ट टर्म के लिए यहाँ पे लास्ट टर्म चाहिए। लास्ट टर्म का मतलब टी एन, जो कि जनरल टर्म भी कहलाती है, और जनरल टर्म हमारे पास बराबर है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। अगर हमें टी एन चाहिए, टी एन का मतलब एल चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए, तो हमें चाहिए ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटू आर की पावर एन, तो हमें एन माइनस वन चाहिए, एन माइनस वन चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आर की पावर है इसमें वन माइनस करा देंगे, वन ऐड करा देंगे, तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो r की पावर है, r की पावर n माइनस वन प्लस वन, मैं प्लस वन को अलग कर दूंगा, जब मैं पावर अलग कर रहा हूँ तो मेरे पास एक और r आ जाएगा, और मुझे पता है कि ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी l के, तो एस एन आ जाएगा मेरे पास a इंटू आर एल डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा जब मॉड ऑफ आर लेस देन वन हो। फिर उसके बाद बात आती है एस एन इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास एस एन का तीसरा फॉर्मूला है। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, अब तीसरा फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब आर मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन वन हो। इसी तरीके से ए को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा आर एल माइनस ए अपॉन
आर माइनस वन मतलब मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन वन हो तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। आइए हम चलते हैं अब सवालात की जानिब। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्या है, सम दी सीरीज 1, 4, 16, 64, 2, 10 टर्म्स, मतलब हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल को नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन है जिसमें कहा जा रहा है 1, 4, 16, 64 और हमें जाना है कहाँ तक, 10 टर्म्स तक। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पे r मालूम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे सम का फॉर्मूला चाहिए। एक तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 1। फिर हमें r चाहिए, r क्या हमारे पास t2 डिवाइडेड बाई t1, मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म है मतलब t1, ये हमारे पास t2 है, ये t3 है। तो t2 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 1, या फिर t3 क्या है 16, t3 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 16 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4। r हमारे पास क्या आ गया है, 1 से बड़ा आ गया है। तो हम sn का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, sn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। तो अब इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमें करना क्या है, ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रख देंगे हम। तो हमारे पास n हमारे पास 10 है क्योंकि n टर्म्स तक मतलब 10 टर्म्स तक हमें निकालना है। अब यहाँ पे a की जगह पे हम रख देंगे 1, r की जगह पे हम रख देंगे 4 और n की जगह पे रख देंगे हम 10 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो हमारे पास s10, हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेटर से ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4 की पावर 10, तो 4 की पावर 10 आ गया, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर आ गया हमारे पास, 1048576 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से 1 माइनस करा देंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम डिवाइड करा देंगे 3 से। तो हमारे पास जो 10 टर्म्स हैं उनका सम आ गया 3, 4, 9, 5, 2, 5। तो ये हमारे पास ये पहले सवाल का आंसर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर मतलब 1 का पार्ट 2 भी कर लेंगे, 3 भी कर लेंगे आप, 4 भी कर लेंगे, 5 भी कर लेंगे एंड 6 भी कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की मतलब पार्ट 7 की, तो पार्ट 7 मुझे सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो मैं पार्ट 7 को अब सॉल्व करने जा रहा हूं यहां पे। पार्ट 7 की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 7 है इसमें कहा जा रहा है 0.9 + 0.09 + 0.009 + 0.09। तो हमारे पास जो सम निकालना है वो हमें 100 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो हमें बेटा यहाँ पे सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि ये जो सीक्वेंस है ये जीपी है या नहीं है, मतलब जो सीरीज़ है वो जीएस है या नहीं है, जो मैट्रिक सीरीज़ है या नहीं है। तो जो मैट्रिक सीरीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कराएंगे। तो आपके सामने दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेकंड टर्म है वो 0.09 है। तो 0.09 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 0.9, डिवाइड कराया तो हमारे पास आ गया 0.1, ये रिज़ल्ट आ गया 0.1 आपको दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूँ T3 की, तो T3 हमारे पास 0.009 डिवाइडेड बाय, अगर T3 हम कंसिडर कर रहे हैं तो T2 से डिवाइड कराना पड़ेगा, मतलब 0.09, दोनों को डिवाइड कराने पे भी 0.1 आ रहा है, मतलब रेशो सेम आ रहा है। रेशो सेम आने का मतलब है कि ये जो सीरीज़ है ये जीपी है। अब यहाँ पे हम चलते हैं इसके सम की जाने। हमारे पास जो आर आ रहा है आपके सामने है 0.1, 0.1 जो है क्या है, 1 से छोटा है। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला लगेगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब हेयर ए बराबर है 0.9, आर बराबर है 0.09 डिवाइडेड बाय 0.9, 0.1 हमारे पास आर आ जाएगा, एन हमारे पास क्या है 100।
तो अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, ज़रा इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एस एन का मतलब S100, एन आपको पता है कि 100 था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास। फिर उसके बाद ए 0.9 है, आर हमारे पास 0.1 है, तो हम फॉर्मूले में रखेंगे, ए की जगह हमारे पास आ गया 0.9, 1 माइनस आर की जगह आ गया 0.1 पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। अब हमें इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है, इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए ही। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.1 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। तो हमारे पास आपके सामने इस पूरी वैल्यू का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास 1 आ रहा है। तो हमारे पास सम 200 टर्म्स 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 मतलब पार्ट 8 भी नहीं कर पाएंगे, पार्ट 8 भी हमें खुद सॉल्व करना पड़ेगा। चले आए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पार्ट 8 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 8 में हमसे कहा जा रहा है 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, और ये वैल्यू जा रही है कहाँ तक, टू एन टर्म्स तक। अब एन टर्म्स तक इसका सम निकालना है। अब इसका सम हम कैसे निकालें, सवाल ये पैदा होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जीपी है या नहीं है, जीपी के लिए क्या करते हैं, मतलब जीएस है या नहीं है। 0.99 मतलब T2 डिवाइडेड बाय T1, तो हमारे पास आ गया 0.1। 0.999 डिवाइडेड बाय 0.99, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1.009। मतलब रेशो सेम नहीं आ रहा, रेशो सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये अब जीपी नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए जिसके अंदर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट बढ़ रहा हो, मतलब यहाँ पे 0.9 है, फिर एक बढ़ गया, फिर एक बढ़ गया, फिर बढ़ता चला गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज़ है ये बज़ाहिर जीपी नहीं है, मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है, तो हमें इसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाना होगा। ज्योमेट्रिक सीरीज़ हम इसको कैसे बनाएं, सवाल ये पैदा होता है। तो मुझे इसका सम चाहिए एन टर्म्स तक के लिए, तो मेरे पास है 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, और ये वैल्यू जा रही है टू एन टर्म्स। तो बच्चों अब करना क्या है यहाँ पे कि 0.9, अब इस 0.9 को हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। दो हिस्सों में कैसे ब्रेक करेंगे भाई, मैं 0.9 की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.1। अब कैलकुलेटर से देख लें, अगर मैं 1 माइनस 0.1 कर दूँ तो हमारे पास 0.9 आ जाएगा, वही रिजल्ट आ जाएगा। मैंने क्या करा, इस नंबर को दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, पहला हिस्सा 1 है, दूसरा हिस्सा 0.1 है। अब हम क्या करेंगे, हर नंबर को ब्रेक करेंगे, मतलब इसको भी ब्रेक करेंगे, पहला हिस्सा 1 ही होगा। अब दूसरा हिस्सा क्या होगा, तो 1 में से हम क्या माइनस कराएं कि ये आ जाए, तो 1 में से अगर मैं 0.01 माइनस करा दूँ तो 0.01 माइनस कराने पर ही आ जाएगा, तो 0.01 आ गया। प्लस इस वैल्यू को भी दो हिस्सों में तोड़ना है, इस वैल्यू को कैसे दो हिस्सों में तोड़ें, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, 1 में से क्या माइनस कराएंगे, 0.001, तो ये हो जाएगा, वही आ गया हमारे पास 0.999। तो ये वैल्यू जा रही है कहाँ तक, टू एन टर्म्स तक। अब यहाँ पर आ जाएं, हम करेंगे क्या, अब इस सीरीज़ को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, 1 अलग लिख देंगे, 1 आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, 1 कितने हैं, सारी वैल्यूज़ कितनी हैं, एन टर्म्स तक हैं, तो 1 हमारे पास कितने हो गए, टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक हमारे पास 1 हो गए। बेटा मैं देख रहा हूँ 0.1 के साथ भी माइनस की साइन है, इसके साथ भी माइनस की साइन है, इसके साथ भी माइनस की साइन है, हम क्या करेंगे, इनमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो 0.1 साथ लिख देंगे, 0 माइनस कॉमन निकाला तो प्लस का 0.01, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो प्लस का 0.001। तो मतलब एक मैंने गलती कर दी है, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ये वैल्यू जा रही है कहाँ तक, टू एन टर्म्स तक। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हमारे पास दो सीरीज आ गई हैं। फर्स्ट सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, पहली सीरीज़ की, तो पहली सीरीज़ का हमारे पास सम कैसे आएगा, तो पहली सीरीज़ की अगर हम बात करें, लिख देते हैं फर्स्ट
we have to find the sum of 1 plus 1 plus 1 और ये कहाँ तक जा रहा है, टू एन टर्म्स। सही बेटा, तो टू एन टर्म्स तक इसका सम हमें निकालना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टू एन टर्म्स की, मैं इसको कह देता हूँ S1 मिसाल के तौर पे। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये वैल्यू जा रही है टू एन टर्म्स। बेटा बात को अब समझिएगा कि इसका सम निकालना कैसे है। वैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास क्या बन रही है, हमारे पास ये जो सीक्वेंस, मतलब ये जो सीरीज बन रही है, ये हमारे पास जीपी नहीं बन रही है। हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो सीरीज़ है ना, ये जीपी के फॉर्मूले से नहीं निकल सकता। इसका सम जीपी के फॉर्मूले से क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे आर आ रहा है वो वन आ रहा है, और अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो फॉर्मूले में रखने पे हमारे पास रिजल्ट जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका सम कैसे निकालना है, हमारी ऑब्जर्वेशन से हमें ये बात समझ आई है। देखिए बात को समझिएगा, अगर मैं बात करूँ वन की, अगर मैं पहली टर्म की बात करूँ तो पहली टर्म का सम पहली टर्म होगी वन। अगर मैं दो टर्म्स की बात करूँ, शुरू की दो टर्म्स का सम क्या होगा, टू, मतलब वन और वन ऐड करा दूंगा तो टू आ जाएगा। अगर मैं शुरू की तीन टर्म्स को ऐड कराऊँ, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 तीन को ऐड कराऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थ्री। अगर मैं चार टर्म्स को ऐड कराऊँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फोर। अगर मैं पांच टर्म्स को ऐड कराऊँ, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 फिर प्लस 1 फिर प्लस 1, मतलब पांच दफ़ा 1 को ऐड कराऊँ तो 5 आ जाएगा। अगर 1 को मैं n दफ़ा ऐड कराऊँ, आपने देखा बात को कि अगर एक वैल्यू ऐड करा रहा हूँ तो 1 आ रहा है, दो वैल्यू सेट करा रहा हूँ तो 2 आ रहा है, तीन वैल्यू सेट करा रहा हूँ शुरू की तो 3 आ रहा है। अगर शुरू की n वैल्यू सेट कराऊँगा तो मेरे पास जो सम है वो n आ जाएगा। तो हमारे पास, मैंने इसको S1 का नाम दिया, हमारे पास इसका सम आ गया n। अब ये जो दूसरी सीरीज़ आपको दिख रही है ना, इस सीरीज़ का भी हमें सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, we have to find the sum of 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, और ये वैल्यू जा रही है कहाँ तक, टू एन टर्म्स तक। तो मैं इस सम को S2 कह रहा हूँ, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, टू एन टर्म्स। अब क्या करना है हमें चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है कौन सी बन रही है। देखें आगे वाली टर्म डिवाइड बाय पीछे वाली टर्म, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1। इसी तरीके से आगे वाली टर्म डिवाइड बाय पीछे वाली टर्म, 0.001 डिवाइडेड बाय 0.01, तो क्या आ गया, 0.1। मतलब ये जो सीरीज़ है ये जीपी है, जीपी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लग जाएगा वो लग जाएगा a(a)(n)(n)(r)). अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ a क्या है, हेयर a बराबर है फर्स्ट वैल्यू के 0.1, r क्या हमारे पास 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, मतलब 0.1, n क्या हमारे पास n के बराबर है। अब हमारे पास जो सम है, मतलब हमारे पास Sn आ जाएगा, मतलब S2 जिसको नाम दिया मैंने, a की जगह आ गया 0.1, 1 माइनस r की जगह पे आ जाएगा 0.1 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। अब देखो बच्चों, 0.1 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, 1 ऊपर रहा, पॉइंट हटा दिया तो नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरीके से 1 माइनस 0.1 को, तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा 0.9। सही है। अब S2 की अगर मैं बात करूँ तो ये 1/10 आ गया, 1 माइनस, ये पावर n 1 पे आ जाएगी, 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 ही रहेगा, और ये पावर n 10 पे आ जाएगी। 0.9 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 0.9 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, 0.9 लिखा, पॉइंट हटा दिया तो 1 आ गया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो आ गया।
बेटा 10 से 10 कैंसिल हो गया, S2 आ गया हमारे पास 1/9। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का आसान सा तरीका जो बताया हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे, 10 की पावर n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर n-1। अब बस हमें छोटा सा ही काम करना है कि अब हम इसको नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है Sn इज इक्वल टू बेटा इस सम की जगह पे, मतलब इस पूरे सम की जगह पे आ जाएगा n, फिर उसके बाद यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आ गई। यहाँ पे हमारे पास इस सम की जगह आ जाएगा 1/9 10 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर n। तो ये हमारे पास इस सवाल का आंसर आ गया। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9। 1 के पार्ट 9 की बात करूँ तो इसमें क्या जा रहा है, 7 + 77 + 777, और ये वैल्यू जा रही है 2n टर्म्स तक। अब इसका सम हम कैसे निकालें? देखो बेटा 9 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ रहा है, मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 9 नहीं है, 9 के अलावा कोई भी नंबर है, तो कोई भी नंबर आ जाए और पैटर्न क्या चल रहा हो, 7 लिखा है, फिर 2 7 हो गए, फिर एक और बढ़ गया मतलब 3 7 हो गए, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, इसी तरीके से 7 क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहला काम इस सम को निकालने के लिए मुझे Sn, मैं इसको Sn का नाम दे रहा हूँ, सबसे पहले Sn इज इक्वल टू 7 + 77 + 777 2n टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, 7 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1 + 11 + 111 2n टर्म्स। अच्छा पिछले सवाल में हमने देखा कि 0.9 0.99 0.999, तो हमारे पास क्या था, 9 लिखा हुआ था। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, ऐसे सवालात के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, 9 चाहिए होता है। मतलब हमने यहाँ से 7 कॉमन निकाल लिया, 7 कॉमन तो निकाल लिया, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 9 चाहिए। 9 क्यों चाहिए वही पता चल जाएगा हमें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, क्योंकि हमें 9 चाहिए तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे 9 से, तो हमारे पास Sn आ जाएगा 7। ये क्या, अगर हमने 9 से मल्टीप्लाई करा दिया, 9 से डिवाइड करा दिया इस वैल्यू को, तो हमारे पास Sn आ जाएगा 7/9। ये जो 9 है ना बेटा, ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 9 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आ गया, 9 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 99 आ गया, 9 111 से मल्टीप्लाई हुआ तो 999 आ गया, और ये वैल्यू हमारे पास चल रही है 2n टर्म्स तक। अब हमें यहाँ पे पिछले सवाल वाला ही काम करना है, हमें क्या करना है, नंबर्स को ब्रेक करना है। 9 को हम ब्रेक करेंगे 2 हिस्सों में, एक हिस्सा 1 होना चाहिए याद रखना आपको, तो एक हिस्सा 1 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 - 1 कर देंगे, ये प्लस की साइन आ गई। इसको ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, 100 - 1। इसको ब्रेक करना है तो हम कर देंगे इसको 1000 - 1, तो ये वैल्यू हमारे पास चल रही है 2n टर्म्स तक। तो अब करना क्या है, Sn आ गया हमारे पास 7/9। अब करेंगे क्या, हम नंबर्स को अलग लिखेंगे, मतलब 10 जो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको पहले लिखेंगे, 10 भी पॉजिटिव है, 100 भी पॉजिटिव है, 1000 भी पॉजिटिव है, तो हमने 10 लिखा पहले, फिर 100 लिख दिया, फिर उसके बाद 1000 लिख दिया हमने, और हम ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 2n टर्म्स तक ये वैल्यू आ गई। अच्छा जहाँ आपको नेगेटिव साइन दिख रही है, मतलब आपको दिख रहा है 1 के साथ S1 के साथ माइनस है, S1 के साथ माइनस है, S1 के साथ माइनस है, सारे 1 के साथ माइनस चल रहा है, तो हमने क्या करा, माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाला तो 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, 1 कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे सीरीज n टर्म्स तक जा रही है, तो 1 भी यहाँ पे कितने होंगे, 2n टर्म्स। अच्छा एक काम और कर सकते हैं हम, जैसा मैंने पिछले सवाल में किया था, आप क्या करें, इसको S1 कह दें, यहाँ आ गया S1, ये माइनस की साइन आ गई,
इस पूरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एस टू कहते हैं, और हमने इसको इक्वेशन वन कह दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस वन और एस टू की वैल्यू निकालेंगे। एस वन और एस टू कैसे निकालें, फॉर एस वन लेट एस वन बी द सम ऑफ 10, 100, 1000 टू एन टर्म्स। सही है, तो हमें एस वन चाहिए, मतलब एस वन इसका सम है 10 लिखा हुआ है। अच्छा, 100 की जगह मैं लिख रहा हूँ 10 का स्क्वायर, 1000 की जगह लिख रहा हूँ मैं 10 का क्यूब। ये वैल्यूज इसी तरीके से बढ़ रही है टू एन टर्म्स। हमें इसका सम चाहिए, सम के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। सही है, तो अब यहाँ पे हेयर ए आ गया हमारे पास पहली वैल्यू 10, आर हमारे पास क्या आएगा 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 मतलब आर हमारे पास आ गया 10, और एन हमारे पास एन के ही बराबर है। तो अब एस वन आ गया हमारे पास, ए की जगह आ गया बेटा 10, आर की जगह आ गया 10 की पावर एन हो गया ये डिवाइडेड बाय आर माइनस वन मतलब 10 माइनस वन। तो एस वन आ गया हमारे पास 10, 10 की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 10 माइनस वन 9, तो हमारे पास ये एस वन आ गया। फॉर एस टू लेट एस टू बी द सम ऑफ 1 + 1 + 1 टिल एन टर्म्स। तो बेटा अब आप लोग याद ही कर लें इसको कि जब भी हमारे पास वन ऐड हो रहा होगा एन टर्म्स तक, तो इसका जो सम है वो हमेशा एन के बराबर। तो हम इसको क्या करेंगे नाउ, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन है हमारे पास, ये पीछे मौजूद थी, इक्वेशन वन आ गई हमारे पास एस एन इज इक्वल टू 7/9। एस वन लिखा हुआ है, एस वन की जगह पर हमने लिख दिया 10/9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एन माइनस वन। ये हमारे पास यहाँ पे जो माइनस की साइन दिख रही है आप लोगों को, आई थिंक सॉरी मैं दिखाता हूँ, ये आपको माइनस की साइन दिख रही है यहाँ पे, ये माइनस की साइन आ जाएगी फिर उसके बाद एस टू आ जाएगा। तो माइनस की साइन आ गई फिर एस टू क्या है एन के बराबर है, और ये हमारा आंसर हो गया, मतलब ये हमारे पास रिक्वायर्ड सम आ गया इसका। फिर आगे चलते हैं ज़रा। अच्छा, इसी के जैसा सवाल जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। मैं काम ये करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है 0.7 + 0.77 + 0.777 टू एन टर्म्स तक हमें इसका सम चाहिए। देखिए बेटा, 0 पॉइंट आ जाए या 0 पॉइंट ना आए, जब भी ये पैटर्न चल रहा हो, नंबर डबल मतलब रिपीट हो रहे हो, बढ़ रहे हो, सॉरी 7 फिर 2 दफ़ा 7 फिर 3 दफ़ा 7 फिर 4 दफ़ा 7 फिर 5 दफ़ा 7 इसी तरीके से 7 एक बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमें यहाँ पे एस एन चाहिए, हमें मतलब सम टू एन टर्म्स चाहिए। तो 0.7 0.77 0.777 टू एन टर्म्स। तो हम करते क्या हैं बेटा, यहाँ पे हम यहाँ पे 7 है ना, 7 आ जाए कोई और भी नंबर आ जाए, हमें यहाँ पे 9 चाहिए होता है। 9 के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 7 कॉमन निकालेंगे। 7 कॉमन निकालने का मतलब 7 सबसे डिवाइड होगा, 7 इससे डिवाइड होगा तो 0.1, 7 इससे डिवाइड होगा तो 0.11, 7 इससे डिवाइड होगा तो 0.111, और ये वैल्यू जा रही है टू एन टर्म्स। अब हम करते क्या है, 9 हमें लाना होता है यहाँ पे असल में, तो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। तो हमारे पास ऐसा ना आ गया 7, 9 से हमने डिवाइड करा दिया, 9 से मल्टीप्लाई करा दिया इस वैल्यू को, तो हमारे पास ऐसा ना आ गया 7/9। ये 9 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.9 फिर 0.0
99, फिर 0.999, और ये वैल्यू जा रही है हमारे पास 2n टर्म्स तक। बेटा वही काम करेंगे जैसा काम हमने पिछले सवाल में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 जो था, सॉरी पार्ट 7 जो था उसमें किया था, वही करेंगे। क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे दो हिस्सों में। ये हो जाएगा 1 माइनस, पार्ट 8 में किया था हमने जो काम, सॉरी वही काम हम यहाँ पे करेंगे, 1 माइनस 0.1 सही है, प्लस की साइन, इस नंबर को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, 1 माइनस 0.01 प्लस, इस नंबर को ब्रेक करेंगे 1 माइनस 0.001, और ये वैल्यू जा रही है कहाँ तक, 2n टर्म्स तक। तो ऐसा ना आ जाएगा हमारे पास 7/9। वही काम करेंगे हम, नंबर्स को अलग कर लेंगे, 1 पॉजिटिव दिख रहा है हमें सब जगह, तो 1 अलग हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये वैल्यू जा रही है n टर्म्स तक। ये 0.1, 0.001, 0.001 सब नेगेटिव हैं, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 0.1, 0.01, 0.001। अच्छा ये सवाल उसी तरीके हुआ, उसी तरीके से हुआ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 जो अभी मैं पीछे करा चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा अब हम अगले सवाल की जानेब चल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, फाइंड द सम 2n टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज nth टर्म इज 3 × 2⁻¹। मतलब हमें सम निकालना है और हमसे कहा जा रहा है कि tn बराबर है 3 × 2⁻¹। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अच्छा सम निकालने के लिए बेटा हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें हमें a चाहिए, हमें r चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a निकालेंगे, a के लिए हमें क्या चाहिए, t1। फॉर t1 नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम n की जगह 1 रख देंगे, तो t1 आ जाएगा 3 × 2⁻¹। तो t1 आ जाएगा 3 × 2⁻₀, तो t1 आ जाएगा हमारे पास, किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए 1 होगा, 1 × 3 आ जाएगा, मतलब a आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, t2 निकालेंगे ताकि हम r निकाल सकें। फॉर t2 नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 के आपके सामने ही, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 1 है, इसमें n की जगह 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 यहाँ पे n की जगह 2 आ जाएगा, तो t2 हमारे पास आ जाएगा 3 × 2⁻¹, तो t2 हमारे पास आ जाएगा 6। अब बेटा हमें सम निकालने के लिए मैंने वही बात आपसे कही कि मुझे दो चीज़ें चाहिए, मुझे r चाहिए, मुझे a चाहिए। फॉर r, सिंस r इज इक्वल टू t2/t1, तो r t2/t1 है, तो हमारे पास 6/3, मतलब r हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमें इसका सम निकालना होगा, सम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर sn, तो sn का फॉर्मूला क्या लगेगा, r इज ग्रेटर देन 1 मोड ऑफ r, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। हेयर बेटा जो t1 आया था ना वो हमारे पास बेसिकली a होगा, मतलब a हमारे पास 3 आ गया, r हमारे पास 2 आ गया, n हमारे पास n के ही बराबर होगा। n कहाँ चला गया, तो हमारे पास sn आ जाएगा, a की जगह हमने रख दिया 3, r की जगह आ गया 2, डिवाइडेड बाय आर की जगह आ गया 2 − 1, ऐसा आ जाएगा 3 × 2⁻¹। तो हमारे पास ये आंसर आ गया।
अब इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द लास्ट टर्म इज 448 एंड द सम इज 889। फाइंड द रेशियो, मतलब कॉमन रेशियो, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एन चाहिए, आर चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन वैल्यूज, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास। हमारे पास जो गिवन कंडीशन की बात हो रही है, तो हमारे पास गिवन कंडीशन है फर्स्ट टर्म 7 है, मतलब ए हमारे पास 7 दिया हुआ है। लास्ट टर्म दी हुई है 448, लास्ट टर्म हमें दी हुई है, मतलब एल दिया हुआ है 448। एस एन दिया हुआ है हमारे पास 889, और हमसे कहा जा रहा है आर निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, एन सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। अब हमें एस एन पता है, ए पता है, एल पता है, आर हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। मैंने क्योंकि एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, आपको याद हो शुरू में फॉर्मूला क्या था भाई, मैंने बताया था ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर लास्ट टर्म आ जाए एस एन का। तो मुझे आर नहीं पता कि 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, तो मैं रैंडम एक फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ए माइनस आर एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, एस एन की जगह पे हमारे पास फिट आ जाएगा 889, ए की जगह आ जाएगा 7 माइनस आर, एल की जगह आ जाएगा हमारे पास 448 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस आर इज इक्वल टू 7 माइनस 448 आर, 889 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, 889 माइनस 889 आर इज इक्वल टू 7 माइनस 448 आर। तो अब हम करेंगे क्या, 7 को दल जाएंगे, इस वैल्यू को दल ले जाएंगे, तो ये जाएगा 889 माइनस 7 इज इक्वल टू 889 आर, प्लस का हो गया उधर जाके, ये माइनस का 448 आर लिखा हुआ है। तो हमारे पास 889 माइनस आर माइनस 7 आ जाएगा हमारे पास 882, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, मतलब 889 माइनस 448, तो हमारे पास आ जाएगा 441 आर। ये 441 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, आर हमारे पास आ जाएगा 2। आर आ गया हमारे पास, हमें ए पता है, हमें एल पता है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें एन चाहिए, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फॉर एन, सिंस टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, टी एन का मतलब लास्ट टर्म, तो यहाँ पर 448 आ गया, ए की जगह 7 आ गया, आर की जगह 2 की पावर ये हो गया एन माइनस 1। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 448 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 2, क्योंकि एन पावर में मौजूद है, तो बेटा हमें यहाँ पे क्या करना होगा, बेस को इक्वल बनाना होगा ताकि पावर इक्वल हो जाए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर n माइनस 1, बेस दोनों की सेम है तो 6 बराबर आ जाएगा n माइनस 1 के, और 1 उधर चला जाएगा तो प्लस का 1, n आ गया हमारे पास 7, तो दोनों रिक्वायर्ड वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम अगले सवाल की जानेब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से हो जाएगा, तो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, सही है सर। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कहा था ना, वो वैसे ही सवाल है जो हमने डिस्कस किया था, 5 का पार्ट 1 तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 5 का पार्ट 2 जो है ना वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, कैसे करना है पार्ट 2। इसमें सबसे पहले हम 6 कॉमन निकाल लेंगे, 6 कॉमन निकालने के बाद इस वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, 9 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, तो ये आप इस तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा जा रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड द रेशियो। बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी बात है। क्या बात कर रहे हैं भाई, हमसे कहा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स मतलब एस सिक्स इसका मतलब इक्वल टू 9 टाइम्स, 9 टाइम्स का मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब एस थ्री। रिक्वायर्ड क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड है हमारे पास कॉमन रेशो, मतलब हमें आर निकालना है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसके दोनों जगहों पे हमारे पास एस दिया हुआ है मतलब एस सिक्स दिया हुआ है एक जगह और एक जगह लिखा हुआ है एस थ्री, तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। यहाँ हमें नहीं पता आर जीरो से बड़ा होगा जीरो से छोटा होगा, तो हम बस ऐसे ही डिसाइड कर लेंगे, कोई भी ले लेंगे। इसको इक्वेशन वन कह रहे हैं फॉर एस सिक्स। नाउ पुटिंग एन इज इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मतलब एस एन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें यहाँ पे आ जाएगा सिक्स ए आर की पावर सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, तो एस सिक्स आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फॉर एस थ्री। नाउ पुटिंग एन इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन, एस थ्री इज इक्वल टू ए, यहाँ पे एन की जगह थ्री आ गया, आर की पावर थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एस सिक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू एस थ्री, एस सिक्स की जगह पे आ जाएगा ए आर की पावर सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ये थ्री आ गया, एस थ्री की जगह आ गया ए इंटू आर की पावर थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। इक्वल टू की साइन है, दोनों के डिवाइड में आर माइनस वन है, तो आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसिल, ए से ए कैंसिल। ये होगा क्या, ये जो आर क्यूब माइनस वन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब आर कैसे निकालें, ऊपर वाली पावर ज़्यादा है नीचे वाली पावर से, तो ऊपर वाली पावर को सॉल्व करेंगे। मैं इसको लिखूंगा आर क्यूब का स्क्वायर, बेटा वन के ऊपर कोई भी पावर आ जाए तो वन ही रहेगा, वन का स्क्वायर कर दिया मैंने, आर क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई आर क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। आर क्यूब माइनस वन से आर क्यूब माइनस वन कैंसिल हो गया, ये आ गया आर क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, तो हमारे पास आर क्यूब आ जाएगा थ्री माइनस वन, तो हमारे पास आर क्यूब आ जाएगा टू, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये हो जाएगा टू का क्यूब रूट अरे बच्चों एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, गलती क्या हो गई है कि यहाँ पे थ्री नहीं होगा, यहाँ पे नाइन था गिवन कंडीशन के अंदर, यहाँ नाइन आएगा, माजरत। ये हो जाएगा नाइन माइनस वन मतलब ये हो जाएगा एट, और हम एट का क्यूब रूट निकालेंगे तो एट का क्यूब रूट हमारे पास आ जाएगा टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, गलती के लिए माजरत। अच्छा ये आप लोग, आप क्वेश्चन नंबर टेन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन में कहा जा रहा है इफ वन ग्रेन ऑफ वीट इज प्लेस ऑन द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ अ चेस बोर्ड, टू ग्रेन्स फॉर द सेकेंड स्क्वायर, फोर ग्रेन्स फॉर द थर्ड स्क्वायर एंड सो ऑन, डबलिंग द नंबर ऑफ ग्रेन्स ईच टाइम टिल ऑल द फोर स्क्वायर्स ऑफ द बोर्ड आर कवर्ड, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स रिक्वायर्ड। तो बेटा यहाँ पर बात को समझिएगा, कहा जा रहा है पहले स्क्वायर पे एक रखा, दूसरे स्क्वायर पे दो, तीसरे पे चार, फिर आठ, मतलब डबल करते जा रहे हैं। कहाँ तक रखना है हमें,
हमें 64 टर्म्स तक रखना है, मतलब 64 स्क्वायर्स तक, क्योंकि फर्स्ट स्क्वायर है तो 1, सेकंड स्क्वायर है तो 2, थर्ड स्क्वायर है तो 4, तो टोटल कितने स्क्वायर्स हैं 64। तो हमसे कहा जा रहा है टोटल कितने हमें गंदम चाहिए, सही है। तो यहाँ पे बेटा हमें एस एन निकालना होगा, ये क्या है आर एन जी पी, एस एन निकालेंगे, एस एन बराबर है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, ए हमारे पास हो जाएगा 1, आर हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, और हमारे पास एन हो जाएगा 64। तो हमारे पास एस 64 मतलब एन की जगह 64 आ गया, ए की जगह 1 आ गया, आर की जगह आ गया 2, 2 की पावर 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर की जगह 2 माइनस 1। तो एस 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 माइनस 1 आर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ग्रीन्स। अच्छा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा क्या जा रहा है, इफ़ अ रबर बॉल दैट इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 मीटर्स ऑलवेज रिबाउंड्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस फॉल, फाइंड द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इट विल हैव ट्रेवल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 9 टाइम। कह रहे हैं कि रबर बॉल है, हर टिप्पे के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 1/3 होती जा रही है पीछे वाली वैल्यू से, और कह रहे हैं कि 9 टिप्पे से पहले ये बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो एक रबर बॉल है, गिरी मिसाल के तौर पे एक रबर बॉल है ये यहाँ से गिरी, सही है, जिसकी हाइट है 27 मीटर। ये एक टिप्पा हुआ, एक टिप्पा खा के ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे आई, फिर दूसरा टिप्पा हो गया, फिर तीसरा, चौथा, एक दो तीन चार पाँच, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवे टिप्पे से पहले। सही है, बात को समझिएगा, ये जो हाइट है हमारे पास क्या हो गई 1/3 हो गई, मतलब 27 को हमने मल्टीप्लाई करा दिया 1/3 से, मतलब 27 को 3 से डिवाइड कराया तो हमारे पास क्या आ गया 9। फिर इस टिप्पे के बाद इसकी वैल्यू उससे और 1/3 हो जाएगी, मतलब 9 डिवाइड बाई 3 3 आ जाएगा, फिर 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास 1/3, तो ये वैल्यू कम होती जा रही है। अब बात को समझिएगा, ये बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये ऊपर गिरी ऊपर से नीचे, मतलब 27 मीटर्स की हाइट से गिरी, फिर इसने अपर डिस्टेंस कवर किया 9 मीटर्स का, फिर इसने डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर किया 9 मीटर्स का, फिर अपवर्ड कवर किया 3, फिर डाउनवर्ड किया 3, फिर अपवर्ड 1, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर किया इस बॉल ने, ये 2 हिस्सों के अंदर ब्रेक हो रहा है, सही है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इज इक्वल टू सम ऑफ अपवर्ड डिस्टेंस प्लस सम ऑफ डाउनवर्ड डिस्टेंसेस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे फॉर एस डी, लेट एस डी बी द सम ऑफ डाउनवर्ड डिस्टेंसेस। तो ज़रा बात को समझिएगा, 27 से गिर रही है, 27 प्लस, फिर उसके बाद डाउनवर्ड एक एरो ये रहा, डाउनवर्ड एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये 8, 9 टप्पे से पहले 8, सही है, क्योंकि आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9, 8 हो जाएगा और फिर 9, तो ये तकरीबन आपका कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
मतलब डाउनवर्ड डिस्टेंस जो है ना हमारे पास 9 होंगे, 27 को 3 से डिवाइड कराया तो 9 को 3 से डिवाइड कराया तो 3 को 3 से डिवाइड कराया 1 अपॉन 3, और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 9 टर्म्स तक जा रही है, क्योंकि अगर हम डाउनवर्ड डिस्टेंसेस की बात करें तो हमारे पास टोटल 9 होंगे, सही है। तो क्योंकि हमारे पास 9वें टुप्पे से पहले की बात हो रही है, तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। एस एन बराबर है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर जो है वो 1 से छोटा है क्योंकि 1/3 होगा आर। तो हेयर ए बराबर हो गया बेटा हमारे पास 27 के, आर आ गया हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 27, तो हमारे पास 1/3 आ गया। एन हमारे पास आ गया पहले 9, तो हमारे पास एस 9 आ गया, 9 की जगह आ गया 27। 1 माइनस आर की जगह आ गया 1/3, और ये इसकी पावर हो गई 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। तो एस 9 हमारे पास आएगा, एस 9 हमारे पास कैसे आएगा ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे एस 9 के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। 27 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/3 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है एस 9 की 9841/243, सही है। अब हम बात करते हैं अपवर्ड डिस्टेंसेस की, कितने होंगे अपवर्ड डिस्टेंसेस। अपवर्ड डिस्टेंसेस के लिए बेटा मैं ज़रा दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप बात को समझ जाएं। एक टिप्पा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, अब नौ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, अब 9वें टप्पे से पहले की बात हो रही है, सही है। तो हमने डाउनवर्ड निकाल लिया था, एस अपवर्ड निकालेंगे। देखें, एक अपवर्ड डिस्टेंस हो गया ये, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, 9वें टप्पे से पहले टोटल 8 अपवर्ड डिस्टेंस कवर किए जा रहे हैं इस बॉल की जानिब से। मतलब हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी वो गई 27 शामिल नहीं हुआ, 27 की हाइट से गिरी थी। ये जो हाइट हमारे पास क्या है, ये 9 है, ये 27 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/3 से तो हमारे पास 9 आ जाएगा। फिर 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/3 से तो हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास शुरुआत हो रही है 9 से, क्योंकि अपवर्ड डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 9 हाइट, 9 का, 9 मीटर्स का, 9 फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद 1 फिर उसके बाद 1/3 कहाँ तक जा रहे हैं, 2 9 एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म्स तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a बराबर है 9 के, r बराबर है 3/9 मतलब 1/3, n बराबर है हमारे पास 8, तो हमारे पास s 8 आ जाएगा, a की जगह आ गया 9, 1 माइनस 1/3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, तो हमारे पास s 8 आ जाएगा, मतलब जिसको हमने एस यू कहा है। तो एस 8 आएगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, तो बेटा हमारे पास ये आ गया 3280/243। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों आ गए हमारे पास। अब दोनों को हम आपस में ऐड करा देंगे, तो हमारे पास फॉर एस टी तो टोटल
जो है ना हमारे पास हो जाएगा एस यू प्लस एस टी, तो एस टी आ गया हमारे पास। एस यू हमारे पास है 3280 डिवाइडेड बाई 243 प्लस एस टी है हमारे पास 9841 डिवाइडेड बाई 243। तो दोनों को हम आपस में ऐड करा देते हैं, 9841 डिवाइडेड बाई 243 हमारे पास एस टी आ गया 13121 डिवाइडेड बाई 243। ये आंसर आ गया हमारे पास, इज दी रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी सम की ही बात हो रही है और हमें सीरीज़ का सम निकालना है। ये सीरीज़ हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और ये वैल्यू जा रही है एन टर्म्स तक। बट हम डायरेक्ट इस सीरीज़ का सम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये जीपी नहीं बना रही। पहले हमें क्या करना होगा, इनको ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाना होगा। ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाने के लिए हमें एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी जिसकी वजह से यहाँ पे कोई फार्मूला बंद हो जाए। ये एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई के साथ एक्स माइनस वाई अगर आ जाए तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी तरीके से एक्स की पावर फोर माइनस वाई की पावर फोर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई करेंगे तो होगा क्या, बात को समझिएगा ज़रा। हमने एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई करा दिया, एक्स माइनस वाई डिवाइड करा दिया, टू एन टर्म्स, जगह कम है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अब ये ऊपर एक्स माइनस वाई इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वन अपॉन एक्स माइनस वाई एज इट इज रहा, ये मल्टीप्लाई हो गया एक्स प्लस वाई से, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। छोटा लिख रहा हूँ, जगह कम है इस वजह से। अब करना क्या है यहाँ पे, ज़रा बात को समझे आप लोग। यहाँ पे अब हमें ये हो गया एस एन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वाई। अब करना क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस की साइन आ गई। यहाँ पर ज़रा आप देखें, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस वाई की पावर फोर का, ये हो जाएगा टू एन टर्म्स। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब हम इसको ब्रेक करेंगे ऐसे पॉजिटिव वैल्यूज पहले, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर फोर, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर फोर, टू एन टर्म्स। फिर माइनस में लिखा हुआ वाई स्क्वायर माइनस में वाई क्यूब माइनस में एक्स की वाई की पावर फोर, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे इससे, इन तीनों से तो पॉजिटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर पॉजिटिव वाई क्यूब पॉजिटिव वाई की पावर फोर, टू एन टर्म्स। तो मैं इसको कह दूंगा एस एन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वाई, इस वैल्यू भी लगा जाएगा एस वन और दूसरी वैल्यू भी लगा जाएगा एस टू, इसको हम कह देंगे इक्वेशन में। वैसे ही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, एस वन और एस टू निकालेंगे। एस वन और एस टू क्या है, इन दोनों का सम। फॉर एस वन लेट एस वन बी द
सम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर फोर टिल एन टर्म्स।